हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनंतर विद व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम यहाँ बैठे हुए थे और बैठ के देख रहे हैं ये कौन चीज़ का पौधा लगाया हुआ है जो तीन है और तीनों ही नया नया पत्ता निकल आया है। ये देखिए कौन चीज़ का ये पौधा है, नया नया पत्ता निकल आया है, देख रहे हैं। वो वैसे पता नहीं है, जैसे बाबू लगाए हैं और तीन है अलग अलग, और क्या चीज का पौधा लगाए हैं ये देख रहे हैं। जो देख, ये आप जो देख रहे हैं कौन चीज का पत्ता, ये बावासीर का पौधा है। ये रहा बावासीर का पौधा लाकर लगाए हैं, वो भी जो एक लड़का से मंगा के बिहार का। देखिए, और हम तभी से सोच रहे कौन चीज का ये पौधा लगा हुआ है जो तीन ही है। हाँ, क्यों और निकलेगा आज जन्मेगा तो बढ़ेगा। बाबा सिर का पौधा ये रहा, कहाँ से लाए? बिहार से मंगवाए किसी से। ऐसा पौधा रहता बाबा सिर का, बाबा सिर जड़ी बूटी लिख। अच्छा दिख रहा ना पौधा, हरा हरा। ये बरसात में ही निकलता है क्या? बरसात में निकलता है। ये रहा। और इधर पुदीना एक थार इतना सारा फैल गया है। ये कुआं के सामने रहता है ना, तो कुआं में पानी गिरते रहता है। अधिकतर हम कुआं के सामने ही देखे, कुआं के पास ये पुदीना का पत्ता। तो गमला में उतना तो हुआ नहीं है, देख रहे। एक बार भी चटनी नहीं खाए है, छोटे छोटे पत्ता, क्या चटनी खाना। चलिए अभी आके वही देख रहे थे कौन चीज का पौधा लगाए हैं, आज कल लगाए थे, हमको वैसे पता नहीं है। हम सोए रहते हैं, मम्मी मेरी सासू माँ और मेरे पति देव पता नहीं क्या क्या का पौधा क्या क्या करते रहते हैं, तो वैसे हम सोए हुए थे तो हमको पता नहीं था। चलिए अभी वैसे बोरे पकौड़ी बनाने, तो अभी जा रहे हैं प्याज काटने। उसके बाद इतना गर्मी लग रहा है कि क्या ही बोले, अभी प्याज काट के पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। चलिए, इतना महंगा प्याज का पकौड़ा। पकौड़ा काटते हैं, प्याज पता है रखा रखा पूरा प्याज ही गल गया। ये रहा आधा तो प्याज खत्म किए हैं पूरा, देख रही प्याज ही गल गया। इतना महंगा कितना दिन से खरीदे हुए थे और केवल पकोड़ा ही खाते हैं और इतना खत्म हुआ। एक टोकरा था भर के, पूरा एक टोकरा था भर के, पूरा गल गया। और कल परसों फेंके पांच और एक, ये रहा ये भी सड़ गया। चलिए पकोड़ा बनाते हैं और खाते हैं। सो गाइस, इतना गर्मी है कि हमको बाहर में आके ये प्याज काटना पड़ रहा है, देख रहे हैं इतना गर्मी। मेरा पति देव बाहर निकाल दिए हैं और बोल रहे हैं प्याज काटो बाहर में, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, पकोड़ा बनाने जा रहे हैं। ये रहा, अब खुद गए हैं बाहर में हवा खाने और हमको भी बाहर निकाल दिया। सोए हुए थे तो बोरे उठा के पकोड़ा बना, अभी प्याज काट रहे हैं। मेरे पति जब बाहर निकाल रहे क्या, ये देखे देखे तो सारा प्याज कटना पड़ा है, अंदर पूरा गर्मी लग रहा है। बारिश भी नहीं हो रहा है ना, इतना ज्यादा गर्मी है कि कुछ कह ही भी नहीं सकते। बारिश थोड़ा बहुत होता तो अच्छा लगता। अंदर में इतना छोटा किचन है ना पूरा, और पकोड़ा बनाते बनाते हम ही पूरा पक जाते हैं। इसीलिए हम बाहर में अभी काट रहे प्याज वगैरह और अंदर जाके सीधे तल लेंगे पकोड़ा, नहीं तो अंदर ही काटेंगे तो हम पक जाएंगे। देख सकती है मैडम बना रहा है गर्मी में, बोले कुछ बनाओ कुछ करो, सब्जी उब्जी बनाओ। अभी ये अभी बना कर नहीं रखेगा तो 7 बजे बोले अरे गर्मी, बाप रे गर्मी, सब्जी बना रहे हैं पकोड़ा बना रहे। अरे
पकोड़ा बना रही है? वो तो बोल दिया कैसे अनजान बनते हैं। नहीं हम कहाँ बोले हम ला के दिए हाथ निकाल के बैठा दिए हैं। आपने बोले ही नहीं हम जानते ही नहीं ये क्या है प्याज ये क्या है प्याज ये क्या है पानी में इसलिए डाल देते हैं कि जलेगा नहीं आग नहीं दे हम ऐसे भी नहीं जानते किसी से अभी ना बोले जलेगा हम वैसे भी किसी से नहीं जल के हमको क्या मिलेगा वही तो क्या मिलेगा ना उसे आदत नहीं है। चलिए मेरा प्याज काटा तो हो गया है। चलिए प्याज काट लिए पकोड़ा बना देते हैं। इस गर्मी में हालत खराब होने वाला बेसन था वैसे और मेरी सासू माँ ला के दी है और बेसन है हरा मिर्च नहीं कोई बात नहीं लाल मिर्च ही डाल देते हैं। हरा मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च का पकौड़ा बना देते हैं। लाल मिर्च वैसे यहाँ नहीं रखा हुआ उधर मिर्चा भी उधर नहीं रखा हुआ राहत मिला है गर्मी से और इतना गर्मी लग रहा है इतना गर्मी लग रहा है बारिश हुआ और बारिश जैसे होने लगा और ये देखो ये गेट भी लग गया बारिश के चलते क्योंकि यहाँ जो छीटा लगता है इसी के लिए यहाँ बाबू गेट लगा दिए वैसे कहाँ से उखाड़ के लाए हैं उधर गंगा होगा रोड में तो उखाड़ के लाए हैं तो और यहाँ पे जैसे लगा दिए अच्छा है बाहर पानी नहीं मिल रहा तो अच्छा है पानी वैसे घुसेगा नहीं जैसे ये लगा दिए हैं जैसे रिमझिम रिमझिम बारिश भी होने लगा वैसे रिमझिम रिमझिम अभी बोल ही रहे थे और पूरा अच्छा बारिश हो रहा पूरा ठंडा ठंडा लग रहा भींग जाए तो लग रहा बारिश पूरा भींग जाए मगर भींग भी नहीं करते मेरे सासू माँ डांटने लगी चिल्लाने लगी ये रहा पूरा लग रहा नहा नहीं देगा वैसे बारिश मुझे बहुत ही पसंद ऐसा मौसम में कहीं घूमने जाए कहीं घूमने जाएंगे ना बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि बारिश मुझे बहुत पसंद है अभी तो कहीं घूमने जा नहीं सकते खाना बना कहीं जा तो नहीं सकते हैं केवल खाना बनाने खाना बनाने जा रहे हैं। ठंडे ठंडे मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है ज्यादा बारिश होगा ना तो यहाँ किच किच हो जाता पूरा लेकिन इधर पूरा खुला है और उधर भी खुला है पूरा बालू बालू पता नहीं कहाँ से भर जाता है तो एक तरफ से बारिश अच्छा भी है एक तरफ से खराब भी है हम लोग के लिए क्योंकि पूरा खिच खिच बालू ही बालू चलिए और साफ करना पड़ता पता है बार बार पता नहीं कहाँ से बालू आ जाता है बार बार साफ करना पड़ता है इधर खुला इधर भी खुला पूरा मेरा रूम में भी पानी भीग जाता है क्या बोल सकते हैं तो चलिए वीडियो आज यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय जा रहे हैं पटल का सब्जी बनाने